थैंक गॉड, ये सितारा कोर्सा, तुमने पानी क्यों फेंक दिया? मेरा निर्जला व्रत है, मैं ये व्रत सूर्यास्त से पहले नहीं खोलूंगी। सितारा हालत देखो अपनी, पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई तुम्हारी, तुम शाम तक ये व्रत नहीं रख सकती हो, बहुत वीकनेस आ जाएगी। प्लीज बात को समझो, मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं कोर्सा, मैं ठीक हूँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। सितारा, तुम कैसे रखोगी अपना ध्यान, तुम तो उठने की हालत में भी नहीं हो। छोटी रानी सा, मैंने कहा ना, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। बेकार की जिद मत करो सितारा, ऐसी हालत में तुम्हें शाम तक व्रत नहीं रखने दे सकता। कुर्सा, जब माँ ने व्रत रखने की शक्ति दी है तो उसे पूरा करने की भी शक्ति देगी। मैं फैसला ले चुकी हूँ, मैं ये व्रत रखूंगी। फाइन, जो करना है करो। सितारा ने अपना व्रत नहीं तोड़ा, मेरा ये वार भी खाली गया, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं। सुरीली, अलबेली, तुम दोनों जाकर पद्मिनी की पूजा भंग करो और मैं यहां सोचती हूं कि आगे क्या करना है। जी दीदी। ओम रेम विद्यात्वम शुद्यामि नमः स्वाहा। ये अचानक से इतनी तेज हवा कैसे आने लगी? ओम क्लीम शिव तत्वम शुद्यामि नमः स्वाहा। भाभी, पद्मिनी, तुम जाग पड़ती रहो, मैं संभाल लूंगी। ओम क्लीम शिव तत्वम शुद्यामि नमः स्वाहा।
अब ये दिया नहीं बुझेगा। हे देवी माँ, मैं ये व्रत अपने पति और अपने परिवार को हर बुराई से बचाने के लिए रख रही हूँ। मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरे पति के साथ हुए गलत को सही करना है। उन विषकन्याओं ने अपना बदला लेने के लिए कुंवरसा को विषपुरुष बना दिया है और मेरे पास सिर्फ 9 दिन है उन्हें ठीक करने के लिए। अगर मैं उनका दांव पलट नहीं कर पाई तो हम कुंवरसा को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। माँ मेरी मदद कीजिए। माँ इस व्रत को पूरा करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। सूर्यास्त में अभी 20 मिनट बाकी है, मदद कीजिए माँ, मदद कीजिए। अर्जुन, सितारा खुद की मदद नहीं कर पा रही है तो हमारी मदद कैसे करेगी? अरे आधे दिन के व्रत में ही वो कांटे की तरह सूख गई है, तो क्या विषकन्याओं के साथ वो खाक लड़ेगी? अर्जुन, कहीं हमने उसे चुनकर कोई गलती तो नहीं कर दी है? भाभी साहब, भाभी साहब ये सामान मुझे दे दीजिए, मैं रख देती हूं। भाभी साहब मुझे माफ कर दीजिए कि मैं उन औरतों की बातों में आ गई और आपसे बदतमीजी कर बैठी। I'm very sorry. कोई बात नहीं भाभी साहब, मेरे होते हुए आपको ये सामान रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रख दूंगी इसे, दीजिए। आपने मुझे माफ तो किया ना भाभी साहब? हमारी छोटी बहन जैसी हैं हम, आपको कैसे माफ नहीं करेंगे? पर यामिनी, हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप जो भी करेंगे हमारे इस परिवार के हित के लिए ही होगा। Thank you.